हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे लाइनिंग की कुर्ती बनाना। तो ये है मेरे कुर्ती का फैब्रिक और इसके लिए ये मैंने ली है, नीचे ये मैं लाइनिंग ली है और लाइनिंग को मैंने अच्छे से पानी में भिगो के अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और फिर इस पर आयरन कर लिए है। तो कुर्ती का फैब्रिक मेरा कुछ इस तरह का है, ये इस पर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है कुर्ती का और गले का डिज़ाइन भी इस तरह से बना हुआ है और यहाँ से हमारी स्लीव निकलेंगी। तो इसी तरह से हमें इस पे निकालनी होगी जहाँ से इस पे डिज़ाइन बना हुआ है। तो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग ना लाइनिंग पे करेंगे। तो लाइनिंग को इस तरह से हमने लंबाई में हमें फोल्ड कर लेना है और फिर हम इसको साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे। अब आपके हिप का मेजरमेंट का 1/4 लेंगे प्लस उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, उतना ही फैब्रिक हमें ये फोल्ड करना है। अब आपको कुर्ती की लंबाई लेनी है, तो कुर्ती की लंबाई हमारी है 47 इंच, लेकिन लाइनिंग को हम कुर्ती से 2 इंच कम रखेंगे तो इसलिए हम इसको 45 इंच लेंगे इसकी लंबाई। तो हम 45 पर लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब मैं 45 पर यहाँ से निशान लगा लेती हूँ लंबाई का, क्योंकि लाइनिंग को हमें 1-2 इंच आपको मेन फैब्रिक होता है जो उससे छोटा रखना होता है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे 7 इंच और यहाँ से आर्म होल के लिए लिया है मैंने 6.5 इंच जैसे, और अब मैं निशान लगाऊंगी कमर की लंबाई का। तो वो लिए है मैंने 15 इंच, 15 इंच और यहाँ से अब मैं हिप की लंबाई का निशान लगाऊंगी। जहाँ तक हम कुर्ती का कट रखेंगे हिप की लंबाई, वहाँ पे हम लेंगे उसको 22 इंच। तो यहाँ से मैं 22 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब मैं ये सारी लाइनें खींच लूँगी, ये हमारी चेस्ट की लाइन हो गई और ये हमारी कमर की लाइन हो गई और ये हमारी हिप की लाइन हो जाएगी। इस तरह से अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है मेजरमेंट का। तो चेस्ट चेस्ट का नाप है 42 इंच, तो 42 का हमें 1/4 करेंगे प्लस उसमें 2 इंच हम मार्जिन के लिए भी ऐड करेंगे। तो 45 तक आपको इस तरह से इंची टेप को एक बार फोल्ड करना है, फिर इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो ये आएगा 10.5 इंच। तो इस तरह से आप 1/4 निकाल लेंगे। तो 10.5 पे मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से 2 इंच मैं लूँगी सिलाई के लिए, और अगर आप लूजिंग के लिए थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे 2 इंच का। अब कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का नाप है 36 इंच, तो 36 का 1/4 करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो हम 9 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे लूजिंग के लिए और सिलाई के लिए। और अब हमें हिप का निशान लगाना है, तो हिप का नाप है 48 इंच, तो 48 इंच, तो 48 का 1/4 हुआ 12 इंच। तो हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे मार्जिन और सिलाई के लिए। अब इन सारे निशानों को मिला देंगे। अब जितनी हमारी ये लाइन है उतना ही हम नीचे निशान लगाएंगे, और नीचे हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये बैक पार्ट के आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से, और इस लाइन में आर्म होल की लाइन में अंदर की तरफ 1/2 इंच लेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है फिर, और ये हम फ्रंट के आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से।
अंदर से हाफ इंच लेके। अब यहाँ से हम फोल्डिंग के लिए 2 इंच लेंगे ऊपर सिलाई के लिए और फोल्डिंग के लिए। तो ये 2 इंच मैंने ले लिया, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम कट के निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती को हमने इस तरह से डबल करके बिछा लिया, दोनों पार्ट हमारे एक साथ कटेंगे इस तरह से। अब इसको हमें बिल्कुल मिड से इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। और आपको गले की ये किनारियां बिल्कुल मिलाने नहीं है इस तरह से कि दोनों तरफ बराबर आए, शोल्डर बिल्कुल बराबर हो दोनों साइड में। और इसको रखेंगे लाइनिंग को इसके ऊपर और इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो मेन फैब्रिक है कुर्ती की लंबाई, इसको हम 2 इंच इससे लंबा रखेंगे लाइनिंग से, इसको हमने 2 इंच से छोटा रखा है, इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो डबल फैब्रिक लिया है मैंने स्लीव के लिए और इसको एक बार फोल्ड किया है। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। और ये हमने 7 इंच की लाइन खींची, फिर वहाँ से ये 3 इंच पे निशान लगा के ये लाइन खींच दी। यहाँ से लेंगे आगे की गोलाई का हाफ, आपकी स्लीव की आगे गोलाई है उसका हाफ लेंगे और इसको इस लाइन से यहाँ से मिला देंगे। और अब इस लाइन के मिड में निशान लगाएंगे 1/2 इंच बाहर की तरफ और इसको इस तरह से गोलाई से मिलाएंगे। और नीचे आपको ये 2 इंच मार्जिन रख लेना है और यहाँ से भी 2 इंच आप मार्जिन ले लेंगे। और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम ये स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट की शेप की कटिंग देंगे। तो इनको सिर्फ हमें आगे के 2 पार्ट में कट करना है दोनों स्लीव के, तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ हमारी कुर्ती कटी थी, तो ये यहाँ पे फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो हमें इसको निकाल के और यहाँ से कपड़ा जोड़ना पड़ेगा और फिर इस लाइनिंग के बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने बैक पार्ट लिया है, ये इसमें इसके गले का कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई लिया है 2.5 इंच और नीचे गहराई लिए है हमने 3 इंच और फिर इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब ये लिया है फ्रंट पार्ट, तो लाइनिंग को रखेंगे इस तरह से और फिर मेन फैब्रिक को इस तरह से इस पर उल्टा करके रखेंगे उल्टी साइड से। और इस पर सबसे पहले हमें गले पर सिलाई लगा लेनी है किनारे से। तो ये हमने सिलाई लगा ली गले पर। अब 1/2 इंच आप छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब गले पर इस तरह से कट के निशान लगा लेंगे और फिर इसको हमें बैक में पलट देना है इस तरह से। और फिर पलट के हम इसको दोनों को बिल्कुल बराबर से बिछा लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर करके हम इसको रख लेंगे। और यहाँ से किनारी पर, गले की किनारी पर सिलाई लगा देंगे और फिर हमें साइड से भी इसको ज्वाइन कर लेना है लाइनिंग को इसमें सिलाई लगाकर। तो ये देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग को इसमें अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर, गले पर भी हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके आरमोल की भी कटिंग करनी है। ये फ्रंट के आरमोल की कटिंग नहीं की थी, बैक पार्ट की थी पहले कटिंग। और यहाँ से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है सिलाई लगा के इस तरह से। तो अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे आरमोल की। ये हमारी कटिंग हो गई। अब इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है, लाइनिंग को अटैच कर लिया है इसमें। और अब हमने बैक पार्ट को सीधा रखना है और इसको इसके ऊपर से हमें इस तरह से उल्टा रखना है। और यहाँ से शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे बराबर से रख के, शोल्डर ज्वाइंट कर लिए। अब इसको दबाने के लिए आप यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी यहाँ सिलाई लगा सकते हैं। और अब मैंने ये स्लीव भी
में जोड़नी है, तो ये स्लीव मैंने तैयार कर ली है। तो ये देखिए कुछ इतनी बड़ी मेरी ये स्लीव निकली है। इसमें यहाँ से हमें जो कपड़ा कम पड़ रहा था वो मैंने यहाँ से ज्वाइंट कर लिया था और लाइनिंग के बराबर रख के इसकी कटिंग कर ली। और इसके इस तरह से हम बराबर रखेंगे फोल्ड करके, और जो कटिंग ज़्यादा है वो हम फ्रंट की तरफ रखेंगे। और यहाँ मिड में हम निशान लगाया है कट का, तो यहीं से हमें शोल्डर से रखनी है इसको, बिल्कुल जो कट का निशान है वहाँ से, और इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए स्लीव हमने ज्वाइंट कर ली दोनों, और यहाँ से हमने अपनी फिटिंग की सिलाई का सिलाई भी लगा ली फिटिंग की। और इस सिलाई को हमने हिप की लाइन थी वहाँ तक इसको लॉक कर दिया है। अब हमें साइड की भी सिलाई लगानी है कपड़े को फोल्ड करके। तो इस तरह से आप फोल्ड करेंगे दो बार कपड़े को दोनों साइड से, इस तरह से फोल्ड करके नीचे तक पूरा हम इसको सिलाई लगा के जो है फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने किनारियों को फोल्ड कर लिया है, नीचे से भी कर लिया है। तो ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। और यहाँ से आपको देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, दोनों साइड में चौक बनाना है, इस तरह से ऐसे सिलाई को लाना है। तो कैसी लगी आपको कुर्ती बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर अगर आप बटन वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।